आप कर्नाटक में विल्सन गार्डन इलाके के लक्का संद्रा में दशकों पुरानी आवासीय इमारत ढह गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हादसे में अब तक किसी के मौत या घायल होने की रिपोर्ट नहीं है। बता दें कि इस आवासीय परिसर का निर्माण 1974 में किया गया था। नानजप्पा ने इस घर का निर्माण किया था और बाद में अपने बेटे सुरेश को विरासत में दे दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में करीब 20 मजदूर रह रहे थे। ये इमारत स्थानीय विधायक रामलिंगा रेड्डी के घर से कुछ ही दूरी पर स्थित थी। एक पुरानी इमारत गिरने से आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। जानकारी के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग गिरने से पहले ही उसे खाली करा लिया था। इमारत में करीब 20 मजदूर थे। आपको बता दें, इमारत गिरने के मामले में फिलहाल मालिक फरार है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस मालिक सुरेश की तलाश कर रही है।